वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं हुंडई एक्सटर के दो वेरिएंट्स के बीच में। हम लेंगे एस एंड एस ऑप्शनल। इन दोनों वेरिएंट्स के बीच में फुल डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, इंक्लूडिंग इट्स एक्सटीरियर फीचर्स, इंटीरियर फीचर्स, इंजन वाइज, सेफ्टी वाइज, मतलब कि हर एक सिंगल डिटेल कवर करेंगे। सो मेरी वीडियो ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी डिटेल स्किप ना कर पाए। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है। दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों वेरियंट्स के इंजन ऑप्शंस की, यानी कि किस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा एंड किस मॉडल में आपको सीएनजी। सो अगर बात करें एस मॉडल की, एस मॉडल में आपको 1.2 लीटर का वही पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके साथ आपको उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाएगा, उसके साथ ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा एंड सीएनजी भी मिल जाएगा। एंड अगर आप एस ऑप्शनल लेंगे उसमें आपको सिर्फ एक ही ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है, जो है मैनुअल ट्रांसमिशन। एस ऑप्शन में आपको ना सीएनजी देखने को मिलेगा ना एएमटी देखने को मिलेगा, बाकी आपको इंजन तो दोनों वेरिएंट्स में सेम ही देखने को मिलेगा, 1.2 लीटर का जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 83 bhp एट द रेट 114 nm ऑफ टॉर्क। सो यहाँ पे एस में आपको ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं एक्सटीरियर लुक्स एंड फीचर्स की। फ्रंट लुक की बात करें, फ्रंट में आपको इन दोनों मॉडल्स में यानी कि एस एंड एस ऑप्शन में नॉर्मल हेडलैम्प्स प्रोवाइड किए जाएंगे बल्ब वाले विद एस्कॉर्ट फंक्शन, बाकी आपको LED DRLs देखने को मिल जाएंगे विद स्किड प्लेट। साइड लुक की बात करें, साइड में आपको इन दोनों वेरिएंट्स में 14 इंच के स्टील व्हील्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद व्हील कवर्स, बाकी आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे एंड ORVMs भी आपको बॉडी कलर देखने को मिलेंगे, पर आपको इंडिकेटर सिर्फ AMT में देखने को मिलेगा, यानी कि ORVM में आपको इंडिकेटर सिर्फ AMT S मॉडल में देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड अगर बात करें बैक लुक की, बैक में आपको इन दोनों गाड़ियों में इन दोनों वेरिएंट्स में LED टेल लैंप्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद पार्किंग सेंसर्स, बाकी आपको इन दोनों वेरिएंट्स में ना तो रियर वाइपर देखने को मिलेगा, ना रियर डिफॉगर, ना स्पॉइलर, ना कैमरा। बाकी रूफ की बात करें, रूफ में आपको इन दोनों वेरिएंट्स में सिर्फ माइक्रोपोल एंटीना देखने को मिलेगा, शार्क फिन एंटीना नहीं देखने को मिलेगा, उसके साथ रूफ रेल्स भी नहीं देखने को मिलेंगे, ना सनरूफ देखने को मिलेगा। सो जैसा कि आपने देखा इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर लुक्स, इन दोनों वेरिएंट्स में आपको सेम ही फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और अगर आप एस मॉडल में AMT वर्जन लेंगे उसका साइड इंडिकेटर आपको ORVM में देखने को मिलेगा, बाकी आपको इन दोनों वेरिएंट्स में बाहर से कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, एकदम सिमिलर फीचर्स हैं। सो बात कर लेते हैं इन दोनों वेरिएंट्स के डैशबोर्ड की। आपको इन दोनों वेरिएंट्स का कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जिसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे लाइक ऑडियो कंट्रोल्स, उसके साथ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाएगा विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले इंक्लूडिंग फ्रंट एंड रियर स्पीकर्स, बाकी आपको मैनुअल AC प्रोवाइड किया जाएगा एंड इस दोनों वेरिएंट्स में यानी कि एस एंड एस ऑप्शनल में आपको रियर AC वेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, उसके साथ फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM। पर अगर आप एस में AMT वर्जन लेंगे आपको फोल्डिंग का फीचर एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा सिर्फ एस AMT में, बाकी आपको पावर आउटलेट देखने को मिल जाएंगे फ्रंट एंड रियर एंड आपको फ्रंट में फास्ट चार्जर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल कर पाएंगे आप, रियर पार्सल ट्रे देखने को मिल जाएगी। एंड अगर हम बात करें इसकी की यानी कि इन दोनों मॉडल्स की वो आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी जो कि फ्लिप की होने वाली है, बाकी आपको इन दोनों वेरिएंट्स में ना तो वायरलेस चार्जर देखने को मिलेगा, ना डैश कैम, ना पुश स्टार्ट बटन जैसे फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे इन दोनों मॉडल्स में। सो जैसा कि आपने देखा आपको एस मॉडल में यानी कि एस विद AMT ट्रांसमिशन में ज़्यादा फीचर देखने को मिल रहा है, जैसे कि फोल्डिंग मिरर एज कम्पेयर टू एस ऑप्शनल, बाकी आपको इन दोनों वेरिएंट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ एस हो या फिर एस ऑप्शनल। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की। वैसे तो आपको हुंडई एक्सटर के हर एक वेरिएंट में 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं विद ABS EBD स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक विद सेंटर लॉकिंग, ये सब फीचर्स आपको इन दोनों वेरिएंट्स में एकदम सेम देखने को मिलेंगे, पर अगर आप एस ऑप्शनल लेंगे उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे एस ऑप्शनल में ओवर नॉर्मल एस। सो यही तीन फीचर्स हैं जो एस ऑप्शनल को खास बनाते हैं, यानी कि सेफ्टी फीचर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं एस ऑप्शनल में एज कम्पेयर टू नॉर्मल एस, बाकी आपको कोई भी खास डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। बाकी अगर हम बात करें इन वेरिएंट्स के प्राइसेस की, वो आप कोई भी बढ़िया सी वेबसाइट पे जाकर
कंपेयर कर सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक एंड जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे जाना। सो इस वीडियो को इतने रखते हैं, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।